शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा उधर कैसे जाना? साहब ये हर साल का हमारा बहुत बड़ी परेशानी आई हो पानी की, क्या यो एक बार आया गया करने का नहीं है, ये हर साल क्या ये जो पिछले वर्ष की जो गटर नहीं वो गटर की वजह से हमारा बहुत परेशानी आई, हर साल एक टाइम को पानी है यहाँ फुल भर रहा है। अभी पानी कब रात में 2:30 बजे भी रात को पानी आया था, और अभी दिन में भी अभी शाम को 6 बजे तक ये पानी आया। देखो नहीं ये हर साल का हर साल का प्रॉब्लम है, हल क्या है तुम्हें इसका? हल साहब ये गटर जो है नहीं हो, ये गटर हाइट नहीं करे हाई, उसके जो रोड पर बढ़ता हूँ भागो का बड़ी गटर के हमारा पानी का बहुत बड़ा नुकसान हुए हो। कट्टे करिए अच्छी बनाए, लेकिन यहाँ बाकी वाले बने इन्हों यहाँ लेवल करे, यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हमारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या दूर में आप सभी का खैर मुकदम है। हम पंजी बाबा में आए हैं, हर साल यहाँ पर ये मसला देख सकते हैं कि घरों में पानी दाखिल हो चुका है और तकरीबन 3 से 4 गलियों में पानी आया हुआ है, मुस्तकिल बारिश जारी है। मसला ये हमेशा हर साल है और हर साल यहाँ पर पिछले वक्त में अनिल बेन के यहाँ पर 8 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की बात कर रहे थे, लेकिन मसला जो का क्यों है फिर से पानी घरों में दाखिल होना शुरू हुआ। प्रॉब्लम होता है इधर, पानी बारिश जोर आ गया ना पानी खड़ा होता है इधर हमेशा के लिए, अंदर बच्चे रहते सब रखे हैं ना, अचानक पानी बारिश हो गए तो खड़ा हो जाता है इधर, रात में सब लोग सोए रहते हैं, पानी जोर हो गए ना डायरेक्ट क्या भी देखने के नहीं पूरा उड़ के जाने का, यहाँ से अंदर घर के अंदर पानी घुसता है, ये हमारा इसलिए कचरा कहाँ फेंकना कहाँ नहीं, सब कचरे का
था यहाँ पानी का, हर बार चानी को रोड नहीं रहता क्या नहीं, और सब तालाब का पानी सब इधर ही आता है, सब बहुत मुश्किल हुआ है जाने का, कब प्रॉब्लम खत्म होती क्या मालूम नहीं होता है, सब बच्चे की सब परेशान होते हैं, घर में पानी इधर की तो पूरी लाइन घर में पानी रहता है, पानी का नहीं इधर से पानी उधर पूरा जाता, उधर भी पूरा पानी, सबके घर में पानी है, सब तुम ये करने वाले ऐसा जी करते दिन काटने गए हो, हर एक ले आता ही बोलते ही गटर का प्रॉब्लम तुम्हारा, सब सवाल करते हैं, कहीं कभी ऐसा लाता च नहीं कर बोलते हैं भी क्या बोले तो ये दिखलाते हैं, क्या आते ही रोड बनाए करे क्या फायदा हुआ, पीछे का नाला जरा बड़ा करो कर तब भी हमारे साथ रेडी साथ सब देने तकरार करे, पहला तुम्हें बोलने का था और अब भी बोले तो हम ही नहीं करते कर ऐसा बोले हमने, अभी क्या है इसका एक हल निकाल को हमने बोलना, हर बरस बहुत परेशानी हो रही है सब। यहाँ हमारे साथ पंचायत की आवाम खड़ी है, उनका ये कहना है कि हर साल क्या सिर्फ न्यूज़ ही में दिखाने के काबिल पंजी बाबा रह गया है क्या, वो घरों में रहना उनके लिए मुश्किल है, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और बीमारी का माहौल भी बनता जा रहा है, यहाँ पर वो अपनी राय बोलो जी क्या हर साल से चलो है, हर साल से तुम्हें तो देखो कर देखो ऊपर आगे छोटे छोटे बच्चे क्या करने का, ये सांभा हो रहा था ये पानी का ये ढंडे में भरता है, इसका हल कौन भी काट रहे इसका पैसे बहुत परेशान में है, देखो इधर पैसे से पानी आ रहा हो चार चार दिन बच्चे रहता है नन्हे हर साल के मैंने तराशा इधर और इधर पानी का प्रॉब्लम करता भी नहीं, एमएलए साहब आना है तर को देना और कितना भी नुकसान होता घर में का फूल देना नहीं, वो तो बात नहीं, तो हमें रोड पर जाओ पैसा लेने वाले रोड पर जाओ बच्चे वाले फ्री जाने जाए की बैंक खराब है कौन देने वाले कौन नहीं है ना बोलते फ्री जाकर हम बांधे गिरने सब भोग हो गए कौन दे है मंदिर पे जाकर रोज चले करे पानी बहुत आता है घर में पानी भी बहुत घुसता है हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। पंजी बाबा की आवाम बहुत गुस्से में है, वो हर साल इस बार जैसे हालात से काफी नाराज है, उन लोगों का कहना है कि किसी हाल में इस बार उन्हें ये मसला पूरी तरह से हल कर दिया जाए क्योंकि घरों को छोड़ने की नौबत आई है, पिछली मरतबा भी इसी तरह घरों में पार्टी दाखिल होने से तकरीबन पंजी बाबा की आवाम अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर मजबूर थी, लेकिन उनका ये कहना है कि इस बार उनके लिए हल निकाला जाए। यहाँ देख सकते हैं कि घरों में पानी दाखिल होने शुरू हो चुका है, बारिश मुस्तकिल जारी है और बाढ़ जैसे हालात घरों में तकरीबन 3 से 4 गलियों में पानी आ चुका है।
देखो कैसा रहने का देखो यहाँ जो हालत ऐसी है यहाँ जो कौन करने वाला जो हर बार पानी आता है यहाँ। कहाँ जाना बोलो, हमने बच्चे के तो कहाँ जाने बोलो।